नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वसीम। लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार पर लगातार ट्विटर के माध्यम से हमला करते रहते हैं। कभी वो बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के हमला करते हैं, तो कभी बिहार में भ्रष्टाचार होती है उसको लेकर के वो ट्विटर के माध्यम से लगातार सरकार के कामों को उजागर करते रहते हैं। इसको लेकर के जेडीयू ने लालू प्रसाद यादव पर बड़ा निशाना साधा है। जेडीयू के प्रवक्ता हैं नीरज कुमार और पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने लालू परिवार पर निशाना साधते हुए कहा है कि लालू परिवार सिर्फ ट्विटर बॉय है। तेजस्वी प्रसाद यादव के लिए उन्होंने बड़ी बात की है, ट्विटर बॉय कह दिया है। और लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधते हुए कहा है कि जिस तरह से लालू यादव जब अपने विधायकों के साथ बैठक करते हैं तो उनमें उनकी जो है ऑक्सीजन लेवल गिरने लगती है, और सरकार को जब वो घेरते हैं ट्विटर के माध्यम से तो उनकी स्वास्थ्य जो है वो अच्छी हो जाती है। तो इसको लेकर के उन्होंने कहीं ना कहीं बड़ा हमला किया है। क्या कुछ कहा है नीरज कुमार, पहले आप सुनिए। कारित मुजरिम माननीय लालू प्रसाद, जिनको अपने दल के विधायकों से संवाद करने में ऑक्सीजन लेवल नीचे चला जाता है और ट्वीट लेवल ऊपर हो गया है, ये गहन जांच का विषय है। स्वास्थ्य व्यवस्था की चुनौतियों से बिहार लगातार उस दिशा में काम कर रहा है, लेकिन माननीय लालू प्रसाद जी, याद है ना आपको, सीएजी की रिपोर्ट ऑडिट रिपोर्ट में था, इंग्लैंड से मोबाइल वैन आया था मेडिकली इक्विप्ड, उसको गरीब रैला में इस्तेमाल कर करके उसको नस्ते नाबूद कर दिया। 123 चरवाहा विद्यालय बनाया, मेडिकल कॉलेज बनाने में नहीं लज्जा महसूस हो रहा था। और मानक केवल यह है कि फुलवरिया में आपने रेफरल हॉस्पिटल बनाया, आपके समय वहां आदमी भी जाता था, वहां कोई पदस्थापित भी लोग रहते थे। और आज अपने गांव से रिपोर्ट मंगा करके देख लीजिए, स्वास्थ्य व्यवस्था में लगातार सुधार हो रहा है, लेकिन चुनौतियां अब भी बरकरार हैं। तो सुना आपने, नीरज कुमार है जेडीयू के प्रवक्ता हैं, जो साफ साफ कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव झूठ बोल रहे हैं। जिस तरह से उनकी स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के रिपोर्ट भेजी जा रही है, सीएजी की रिपोर्ट हो चाहे अन्य कोई रिपोर्ट हो, जिसमें कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव कई बीमारियों से ग्रसित है, लेकिन वो ट्विटर चलाने के लिए स्वस्थ हो जाते हैं और अपने विधायकों के साथ जब वो वर्चुअल मीटिंग करते हैं तो उसमें जो है उनकी ऑक्सीजन लेवल गिरने लगती है। और बड़ा हमला किया है चरवाहा विद्यालय को लेकर के। जिस तरह से गोपालगंज में लालू प्रसाद यादव की जब सरकार थी तो चरवाहा विद्यालय खोला गया था, जिसमें हमेशा से ही लालू प्रसाद यादव की बदनामी करती रहती है विपक्ष, इसको लेकर के आज नीरज कुमार ने भी बड़ा हमला किया है और कहा है कि जिस तरह से चरवाहा विद्यालय खोला गया जिसमें न कोई व्यवस्था की गई और न ही कोई पढ़ाई की सुचारू रूप से उसको चलाया गया, तो इसको लेकर के नीरज कुमार ने कहीं ना कहीं बड़ा हमला किया है लालू प्रसाद यादव के ऊपर। तो देखना होगा लालू प्रसाद यादव की पार्टी की तरफ से क्या कुछ इस पर प्रतिक्रिया आती है, देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।